हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टाटा मैजिक एक्सप्रेस है, सीआर इंजन, और कस्टमर का कंप्लेन है, क्लस्टर मीटर पे एक रेड लाइट जल रहा है, ओवरहीट का बीप दे रहा है और ओवरहीट हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है, इस बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, वीडियो देखते रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप कभी भी ऐसा नहीं देखे होंगे। ओके, तो आप वीडियो देखते रहिए। पहले करते हैं इग्निशन ऑन और मारते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आपने देखा स्टार्टिंग कंडीशन में ऑयल प्रेशर का लाइट जो है वो ऑन होके रहता था, यानी कि स्टार्ट पे ऑन होके रहना नहीं चाहिए। अगर ऑयल नहीं रहेगा या तो ऑयल कहीं से लीकेज हो चुका होगा, लाइट जलेगा, नहीं तो कोई कारण नहीं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, कस्टमर का कंप्लेन था क्लस्टर मीटर पे ऑयल प्रेशर लाइट जल के रहता था स्टार्टिंग कंडीशन पे, और इंजन ओवरहीट होके बीप दे रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डीप स्टिक निकाल के देखेंगे उसमें ऑयल कितना है। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पे ऑयल नहीं है, फिर भी साफ़ करके और एक बार घुसा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इसे मोबिल गेज भी बोलते हैं, डीप स्टिक भी बोलते हैं। ये देखो दोस्तों, इस पे ऑयल बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इंजन ऑयल नहीं रहने के मतलब से ऑयल प्रेशर का लाइट जल रहा था स्टार्टिंग कंडीशन पे। अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑयल कहीं से लीकेज है या नहीं है। तो सबसे पहले नीचे देखेंगे चेंबर की तरफ। दोस्तों, आप देख सकते हैं चेंबर पे कोई मोबिल का ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब लीकेज नहीं है। लेकिन मोबिल गया कहाँ? तो अब हम देखेंगे इंजन ओवरहीट भी हो रहा था, कूलेंट है या नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कूलेंट बॉक्स पे शायद मोबिल भरा पड़ा है। अरे, मोबिल भरा पड़ा है कूलेंट बॉक्स पे, तो ठीक है, एक डाल की मदद से आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका कूलेंट बॉक्स स्टीयरिंग के साइड में है, और ये देख सकते हैं डाल पे पूरा मोबिल लग चुका है। फिर भी मुझे यकीन नहीं होता, डाल का दूसरा सिरा घुसा के देखता हूँ इस पे भी मोबिल आता है या नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं डाल के दूसरे सिरे पे भी मोबिल आ रहा है। तो अब चेक करते हैं रेडिएटर में भी मोबिल है या नहीं है। अगर रेडिएटर पे मोबिल होगा, हो सकता है हेड गैस्केट कटा होगा या हेड क्रैक हो चुका होगा या और कुछ हो चुका होगा। अब खोल के देखते हैं अगर रेडिएटर में ऑयल होगा। ये देखो दोस्तों, ऐसा तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, जो कि रेडिएटर कैप खोलेंगे कूलेंट आना चाहिए, मगर ये आ रहा है मोबिल, जिस वजह से इंजन हीट तो होगा ही होगा। अभी हमें देखना है सबसे पहले कूलेंट ड्रेन करना, सॉरी मोबिल जो रेडिएटर पे घुसा पड़ा हुआ है उसे ड्रेन करना। और दोस्तों, ये जो है ईजीआर कूलर, जी हाँ दोस्तों, ये ईजीआर कूलर है। अब हम रेडिएटर से कूलेंट ड्रेन करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कूलेंट के साथ कितना मोबिल आ रहा है। अगर मोबिल रेडिएटर पे रहेगा तो इंजन ओवरहीट होगा ही होगा। दोस्तों, रेडिएटर पे वैसे तो पानी या कूलेंट रहना चाहिए, और रेडिएटर पे अगर मोबिल या डीजल या तो किरोसिन या तो और कोई भी ऑयल अगर रेडिएटर पे होगा तो इंजन ठंडा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ठंडा नहीं हो पाएगा, इसलिए इंजन ओवरहीट हो रहा था। अब मुझे देखना ये है, अगर हेड गैस्केट कटा होगा या हेड क्रैक होगा तो चेंबर का जो ड्रेन नॉट है खोल के देखने से वहाँ से पानी निकलेगा। अगर हेड गैस्केट नहीं कटा होगा और हेड भी क्रैक नहीं हुआ होगा तो पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पिस्टन से होते हुआ चेंबर तक आ जाएगा, पानी का कुछ हिस्सा भी आ जाएगा अगर हेड का प्रॉब्लम होगा तो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इस पे पानी नहीं है, सिर्फ मोबिल है। मोबिल है, इसका मतलब शायद हेड खोलना नहीं पड़ेगा। फिर भी मैंने एक गाड़ी का ड्रेन हुआ था ऑयल, मैं वो पुराने वाला ऑयल इस इंजन पे डाल चुका हूँ। आप देख सकते हैं गेज पे ऑयल टॉप अप हो चुका है। अब मैं इसे स्टार्ट मार के देखूँगा और कूलेंट की जगह पानी डाल के देखूँगा ये पानी प्रेशराइज हो रहा है या नहीं, या तो उस पे बुलबुले आ रहे हैं या नहीं। अगर बुलबुले आएंगे तो
हेड ख़राब होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से एयर ब्लीड होगा उसका, इस तरह कूलेंट का एयर यहीं से ब्लीड होगा दोस्तों। 12 नंबर का नट है, अब पानी भी टॉप अप हो चुका है, अब मैं स्टार्ट मार के दिखाता हूँ। दोस्तों कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, प्रॉब्लम आखिर क्या है, स्टार्ट मार के देखते हैं। दोस्तों अब मुझे मोबिल का गेज उठा के देखना है मोबिल गया कहाँ। अरे दोस्तों आप देख सकते हैं मोबिल गेज पे नहीं है, इसका मतलब जो कि हेड शायद सही है और मोबिल चला जा रहा है कहीं ना कहीं से। और रेडिएटर जरा देख लेते हैं वहाँ पे क्या कंडीशन है कैप खोल के। ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो छोटा छोटा बुलबुले आप देख रहे हैं, इससे हेड खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ, ये जो छोटा छोटा बुलबुले है इसमें हेड खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों अब मुझे पक्का लगने लगा है प्रॉब्लम क्या है। पहले यहाँ से दिखाता हूँ, ये एयर फिल्टर का होस खोलेंगे, फिर ऑयल सेपरेटर खोलेंगे, एयर फिल्टर खोलेंगे, मोबिल फिल्टर तक पहुँचेंगे। मोबिल फिल्टर के बाद जो मोबिल फिल्टर का बेस होता है उसे खोलेंगे। उसे खोलने से पहले हम ऑयल प्रेशर स्विच का एक पिन है उसे निकालेंगे और ये दो होस पाइप खोलेंगे, एक इनलेट और एक आउटलेट। और ये होस पाइप जो कनेक्टेड रहता है रेडिएटर, माने रेडिएटर का कूलेंट का टेम्परेचर जितना होगा इंजन ऑयल का टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा। ये टेम्परेचर मेंटेन के लिए रहता है, क्योंकि ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा ऑयल का तो ऑयल सूख जाएगा। ओके दोस्तों, ऑयल कूलर का एक ही बोल्ट खोल देने से 30 mm का हो जाएगा, मगर मुझे पूरा बेस खोलना है अच्छी तरह से चेक करने के लिए। और उसमें 5-10 mm का बोल्ट होता है। इस तरह बेस कंप्लीट मैं खोल दूंगा और इसे डीजल या किरोसिन से अच्छे से साफ कर दूंगा और फिर चेक करूंगा। दोस्तों ये है ऑयल कूलर, इसे अब हम चेक करेंगे। ओके अब देखते रहिए वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये साफ अच्छी तरह हो गया। ये है 30 mm का बोल्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ही बोल्ट खोल देने से भी हो जाता, मुझे अच्छे से चेक करना है, मैं इसीलिए कंप्लीट खोल दिया। ये देखो दोस्तों, इस तरह इसे डिसअसेंबली कर देंगे एक नट खोल के और फिर इसे पानी पे लेके चेक करेंगे। एक होल बंद करके और दूसरे होल से फूंक मारूंगा। फूंक मारने से आप देख सकते हैं कितना ज़ोर से बुलबुले आ रहे हैं, इसका मतलब गाड़ी स्टार्ट होने के साथ ही सारा का सारा ऑयल रेडिएटर को चला जा रहा था, इसलिए रेडिएटर से छोटा छोटा बुलबुले उठ रहे थे। तो दोस्तों इसमें हेड का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मुझे अच्छी से समझ में आ गया। फिर भी चेक करके देखते हैं, अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा लीकेज है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं नया ऑयल कूलर आ चुका है, 1420 रुपये का MRP था इसमें, और इसके साथ एक ओरिंग भी आता है। अब पुराना ओरिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं, नया ओरिंग आता है। फिर भी आप ज़रा मैच करके देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सिमिलर आइटम होगा फिर ज़रा सा पाइप का मुंह दाएं या बाएं होगा तो नहीं लगेगा। तो आप इस तरह मैच कर लेंगे और फिर लगाएंगे। इसी तरह एक होल बंद करेंगे जैसे कि बंद है, और एक होल में फूंक प्रेशराइज करके फूंकेंगे, तो आप पानी में डुबा के तो आपको पता चल जाएगा ये लीकेज है या नहीं है। और दूसरा एक तरीका भी है, लेकिन उसे मैं बाद में बताऊंगा। और पहले नया वाला को इस तरह चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, नए वाले को इस तरह चेक करके फिर से एक बार फूंक के देख लेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर कोई बुलबुले नहीं हैं, अब इसे हम फिटिंग करते हैं। ओके दोस्तों, और एक बात का ध्यान रखें, आपका जो ये ऑयल कूलर मोबिल फिल्टर बेस से जैसे ही आप खोले होंगे डिसअसेंबली किए होंगे उसी तरह लगाएंगे, नहीं तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा, फिर से खोलना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर होगा आप उसका फ़ोटो उतार के रख लें और फिर फिटिंग के वक्त देख लें उसका एंगल क्या था और आपने कैसे फिटिंग किया। दोस्तों ये तो गाड़ी में फिटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात अभी भी वहीं रुकती है, जो मोबिल था रेडिएटर के अंदर गया था, जाहिर है वो इंजन के अंदर भी जा चुका होगा, तो उसे कैसे बाहर निकालें। दोस्तों उसके लिए इंजन पूरा खोलने की कोई जरूरत और ना ही रेडिएटर खोल के निकालने की ज़रूरत है। दोस्तों हमें ज़रूरत है तो उसे अच्छी तरह साफ़ करने की। तो साफ़ हम कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका दोस्तों होता है रेडिएटर पर जो दो होस पाइप लग के रहता है, एक ऊपर की तरफ जो वाटर जैकेट से आया हुआ होता है वो है आउटलेट, मतलब इंजन का गर्म पानी रेडिएटर तक पहुंचेगा, और एक है इनलेट जो रेडिएटर से ठंडा होकर इंजन के अंदर पानी घुसेगा।
और वहाँ से होते हुए फिर थर्मोस्टेट भाल तक पहुँचेगा। तो दोस्तों जो एयर ब्लीड होता है वहीं पे है थर्मोस्टेट भाल्व, तो उसके बॉडी का 3 बोल्ट है, यानी कि वाटर जैकेट का 3 बोल्ट है 10 mm का, उसे खोल दें। उसे खोल देने के बाद एक थर्मोस्टेट भाल्व है, उसे निकाल देंगे। निकाल देने के बाद आपको ध्यान रहे जो होस पाइप आउटलेट पे लगा हुआ है, यानी कि थर्मोस्टेट वाटर जैकेट पे लगा हुआ है, वो होस पाइप को पहले ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करने के बाद सर्विसिंग का जो पाइप है उसका जो डायरेक्ट प्रेशर आप रेडिएटर पे दे दें, और प्रेशर कमा के दे देने से क्या होगा ना, वो रेडिएटर को साफ करते हुए, इंजन ब्लॉक हेड को साफ करते हुआ थर्मोस्टेट वाल्व की तरफ से सारा का सारा कचड़ा निकल जाएगा। ऐसा ही आप 20 मिनट से आधा घंटा तक करें। और ठीक उसी तरह और ये जो होस पाइप रहा था उसे क्या करेंगे, पहले थर्मोस्टेट वाल्व लगा देंगे, और फिर जो ब्लॉक करे होंगे आउटलेट होस पाइप को जो वाटर जैकेट पे लगता हुआ है उसे खोल देंगे। खोल देने के बाद आप सर्विसिंग का प्रेशर मारेंगे, इस तरफ से भी 5-7 मिनट में साफ हो जाएगा, इसी तरह कंप्लीट साफ हो जाएगा। ओके, और 2-3 दिन तक इसी तरह सादे पानी में आप गाड़ी चलाएंगे। चलाने के बाद वो और जरा जरा भी जो भी मोबिल होगा वो बाहर आ जाएगा और आप नया कूलेंट डाल देंगे। दोस्तों हीट तो फुल हो चुका है, अब देखते हैं फैन घूम रहा है या नहीं। दोस्तों सही टाइम पे फैन घूम भी रहा है और घूम के इंजन ठंडा होने के बाद बंद भी हो रहा है। अब देखते हैं टेम्परेचर कितना है। ये देखो दोस्तों टेम्परेचर भी डाउन हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ऐसा वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो। अभी भी मन में कोई डाउट है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नीचे कमेंट करो, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।